बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान इंडस्ट्री की उन हस्तियों में शुमार हैं जो किसी न किसी वजह से हमेशा ही सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं। हाल ही में एक्टर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल ये खबर उनकी आखिरी रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने को लेकर है। फिल्म की असफलता के बाद खबरें आ रही है कि मिस्टर परफेक्शनलिस्ट माने जाने वाले एक्टर आमिर खान ने फिल्मों से दूरी बनाने का फैसला लिया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं। दरअसल आमिर खान की अपकमिंग फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज बना हुआ था। लंबे वक्त से हर कोई उनकी फिल्म से जुड़ी किसी बड़ी अपडेट का इंतजार कर रहा था। हालांकि फैंस के इंतजार को खत्म करते हुए एक्टर ने बड़ी जानकारी शेयर की है। हाल ही में दिल्ली में अपने बचपन के दोस्त के कार्यक्रम के दौरान एक्टर ने फिल्म चैंपियंस को लेकर कुछ खुलासे किए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अब आमिर खान ने अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर कहा है कि वो कुछ समय के लिए एक्टिंग नहीं करेंगे और अपने पर्सनल लाइफ पर फोकस करेंगे। इसके आगे उन्होंने लाल सिंह चड्ढा के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं जब कोई फिल्म करता हूं तो एक अभिनेता के तौर पर उसमें खो जाता हूं। इसके अलावा मेरी लाइफ में और कुछ नहीं होता, इसलिए मैंने थोड़े दिन इससे दूर रहने का फैसला लिया है। लाल सिंह चड्ढा की सफलता के बाद लिया ये फैसला। आमिर खान ने बात करते हुए आगे कहा कि मुझे लाल सिंह चड्ढा के बाद एक फिल्म चैंपियन पर काम शुरू करना था। उसकी कहानी ऑरन स्टोरी राइटिंग बेहतरीन है। वो कहानी दिल को छू देने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं अपने परिवार के साथ टाइम बिताना चाहता हूँ, अपनी माँ और अपने बच्चों के साथ। Thank you.